इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ई इज इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है ना, ये अगर कोई कंडक्टर है तो इस पर छोटा सा एक एलिमेंटर एरिया लेते हैं। ये एलिमेंटर एरिया मान लिया कि एरिया है डी, ठीक। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पर एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है, मतलब कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का छोटा सा एरिया डीए लिया, तो सिलेंडर का एरिया जो है ये भी डीए होगा, ये भी डीए होगा, और इसका कुछ लेंथ है ना। तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी कि इधर लाइन्स ऑफ फोर्सेज नहीं होंगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर। तो यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के ऐसे जा रही होंगी, ठीक। तो अगर मैं यहां पर फ्लक्स निकालूंगा, सिर्फ ये वाले सरफेस से फ्लक्स आएगा, है ना, इस वाले सरफेस से फ्लक्स आएगा जीरो, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो इधर जो फ्लक्स आएगा उसको मैं लिखूंगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट सरफेस के बाहर, जस्ट सरफेस के बाहर लेना है हमें, है ना, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ई इंटू डी ए, यहां से जितनी भी लाइन्स निकल रही सारी इसको क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, है ना। तो ई इंटू डी ए इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज, कैसे निकाले, तो इसकी सरफेस डेंसिटी अगर सिग्मा है तो ये डीए एरिया है ना, डीए एरिया लिया था हमने, तो डीए एरिया पर कितना चार्ज होगा, सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, ये हो गया यहां पर चार्ज, और यही चार्ज जो है इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हो रखा है, तो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से डीए और डीए कैंसिल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ई का जो वैल्यू है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो कि यहां पर बताया गया था।